स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने पोलराइजेशन स्टार्ट किया था और उसमें जो हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन का डिस्कस किया था ना उसके बाद स्मॉल इंट्रोडक्शन जो डिस्कस की थी वो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की डिस्कस की थी आज बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ अचीविंग पोलराइजेशन एंड नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे अप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था किसका लाइट का लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर किया था जिसको हम शॉर्ट में ईएम वेव बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो वेव होगी उसमें कोई भी वेव का मतलब जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कस करते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा एक आपके पास मैग्नेटिक वेक्टर होगा दोनों के दोनों ये वेक्टर क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं सेम फेज में होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब ये हुआ इसका कि इन केस ये हमारे पास तीन डायरेक्शन है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इन केस अगर अपना जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन में है सिमिलर केस जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर है तो प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन रहेगी वो आपके पास एक्स डायरेक्शन रहेगी इस तब जाके तीनों के तीनों वेक्टर जो होंगे तीनों के तीनों वेक्टर का मतलब डायरेक्शन प्रोपेगेशन एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर ये क्या होंगे सभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे दिखा भी है इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सॉरी रेड कलर की जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखाया गया है और ब्लू कलर की जो लाइन है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को शो करती है तो इसका मतलब यहाँ पर कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो से अपर डायरेक्शन आपके पास एक्स डायरेक्शन हो ये डायरेक्शन जो है आपके पास जेड डायरेक्शन हो और जो ब्लैक वाली डायरेक्शन है ये आपके पास वाई डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हम लेके चलते हैं तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस डायग्राम में जो आप विजिबल कर रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मूवमेंट है ना जो ऑर्डनरी लाइट होती है वो अनपोलेराइज लाइट होती है उस लाइट में जितने भी वाइब्रेशन हो सकती होंगी वो होंगी इसलिए हम इस लाइट को जनरली इस फॉर्मेशन से भी शो करते हैं ये जो लाइट है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है जब हम अनपोलराइज लाइट को शो करते हैं तो हम इस लाइट को इस फॉर्मेशन में शो करते हैं विद हेरोड ठीक है जितनी भी डायरेक्शन बनती हैं तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं दिस टाइप ऑफ लाइट इज अनपोलराइज लाइट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम प्रोड्यूसिंग ए वे विद परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ई नाउ सुपर पोजिशन ऑफ वेव ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव करेंगे नाउ इन केस अगर हम यहाँ पे पोलराइजर का यूज करते हैं जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर है उसी की सेम डायरेक्शन हो पोलराइजर की तब आपके पास जो लाइट मिलेगी वो लाइट कैसी मिलेगी आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको मिलेगी इन केस नेक्स्ट पोलराइजर हम उसकी होरिजेंटली लगा दें से पहला जो हमने लगा वो वर्टिकल लगाया वर्टिकल लगाने में मान लो आपका एक वेक्टर यहाँ पे निकल गया तो दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा एक है डायरेक्शन जो इनके परपेंडिकुलर है ठीक है नाउ उसके बाद जो आपके पास वर्टिकल पोलराइजर था जिसका हमने नाम वन दे दिया तो अगर हम सेकेंड पोलराइजर फिर से लगा दें अगर उसको हम हो लगा देंगे तो उसके बाद आपको फाइनली यहाँ पे कोई भी लाइट विजिबल नहीं होगी जनरली जो ये सेकेंड पोलराइजर है इस पोलराइजर को हम बोलते हैं एनालाइजर मेन यहां पर जो आपके पास फर्स्ट पोलराइजर होता है इस पोलराइजर में से इनके स्लाइटली एम्पलीट्यूड जो है दूसरी वेव का भी हमें मिले जैसे हमने जो पोलराइजेशन किया है हमने इलेक्ट्रिक वेक्टर का हमें चाहिए इलेक्ट्रिक वेक्टर बट उसमें स्लाइटली जो मिक्सिंग है वो मैग्नेटिक वेक्टर की भी हो तब हम क्या करते हैं एक और पोलराइजर लगाते हैं सेम डायरेक्शन में जिससे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो पूरा का पूरा स्किप हो जाए और हमें क्या मिले प्लेन पोलेराइज्ड लाइट हमें यहाँ पे मिले यहां पे एक दो टर्म आएंगी जो आपको रिमेंबर रखनी है वह है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ए प्लेन इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी लाइट प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन किसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ये परपेंडिकुलर होगी किससे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से ये यहाँ पे डायग्राम में दिखा गया आपके पास ये हमने कोई भी ऑर्डर लाइट ली ऑर्डर लाइट लेने का मतलब है कि ये आपके पास अनपोलेराइज लाइट है इस अनपोलेराइज लाइट को अगर हम किसी भी टर्मिलाइन क्रिस्टल जो है ये आपके पास क्या है टर्मिलाइन क्रिस्टल बेसिकली पोलराइजर है जिसको हम जिसको हम पोलराइजर बोलते हैं और यहाँ पे जो पोलराइजर हमने लिया हो किस मटेरियल का लिया वो टर्मेलाइन क्रिस्टल का लिया है तो जो ए बी सी डी है आपके पास ये आपके पास क्या है ये आपके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और जो दूसरी हमने प्लेन जिसका डिस्कस किया था प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये क्या होती है ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है और जो आपके पास पोलराइज लाइट होती है पोलराइज्ड लाइट को हम दो तरीके से दिखाते हैं आ दिस फॉर्मेशन से हम दिखाते हैं पोलराइज्ड लाइट को इस फॉर्मेशन से या फिर जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसको हम इस फॉर्मेशन से शो करते हैं ये आपके पास ये आपके पास क्या बनेगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनेगी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो जर, उसको जनरली उसमें हम जो वेक्टर लेते हैं वो एक ही वेक्टर शो करते हैं लाइक यहां पर भी ये यह यहां पे दिखाया गया दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट Now, अब बात आती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ही पोलराइजेशन क्यों करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का तो हम पोलराइजेशन नहीं करते हैं तो जो मैक्सवेल इक्वेशन जो आपने लास्ट सेमेस्टर में स्टडी की थी उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू ई डिवाइड बी मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो रेशियो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो शॉर्ट में हम इस फ़ॉर्मेशन से भी हम डिनोट करते हैं और इसमें जो आपके पास ई की वैल्यू होती है वो बी के कंपैरिजन में वेरी, वेरी वेरी लार्ज होती है और वेरी वेरी लार्ज होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो पोलेराइजेशन अगर हम करें या यूं कह लीजिए कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की करेक्ट्रिस्टिक्स को हम चेंज करें करेक्टरिस्टिक चेंज करने का मतलब जो आपके पास अन लाइट है उससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाएं तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको एफेक्ट करेगा ही करेगा क्योंकि उसकी लार्ज वैल्यू है इसलिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या करते हैं पोलराइजेशन करते हैं Now, ये हमने कल डिस्कस थोड़ा सा किया था पोलराइजेशन एक पोलराइजेशन 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 डिस्कस डिस्कस किया था, एक सर्कुलर डिस्कस किया था और एक एलिप्टिकल डिस्कस किया था एक एक सर्कुलर और बात करते हैं तो यहाँ पे जो हो, लाइट प्लें होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्ट्रोसिलेट अलोंग स्ट्रेट लाइन इन वन प्लेन मतलब जो सिंपल आपके पास पोलराइजेशन जो हम बेसिक स्टडी में करते हैं वो आपके पास क्या होता, होता है है टू द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है जैसे आपके पास जनरली जो आपने स्टडी करके आ गई ये इस फॉर्मेशन से आपने मान लो ट्राइंगल बना दी है ठीक है इसमें मान लो एक आपके पास ए है एक आपके पास बी है एक आपके पास सी है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर ये सिंपल वेक्टर एडिशन होता है ठीक है तो जो प्लेन पोलराइज्ड वेव है उसको हम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में लेते हैं जब हम लीनियरली उसका डिस्कस हम करते हैं ठीक है नाउ वो एग्जैक्ट में लीनियर होगी इलिप्टिकल होगी या सर्कुलर होगी ये डिपेंड करेगी कि जो आपके पास वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वेव के एम्पलीट्यूड पर वो डिपेंड करेगी और उसकी फेज शिफ्ट पे वो डिपेंड करेगा इनके सर्कुलर पोलराइजेशन अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपके पास एम्पलीट्यूड इक्वल रहेगा रहेगा फेज डिफरेंस 90 का प्लेन ऑफ ऑसिलेशन रोटेट अराउंड द प्रोपेगेशन एक्सीज में राइट सर्कुलरी पोलराइज या क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर वो लेफ्ट सर्कुलरी पोलेराइज इसको एक लेबोरेटेटरी बोलते हैं एक इसमें दूसरा रोटेट्री हम इसमें डिस्कस करते हैं इसको अगर हम शो करते हैं या वैसे आपने इन केसेस को अंडरस्टैंड करना तो आप क्या कर सकते हैं कि जनरली जो भी हम वेव लेके चलते हैं ये आपके पास वेव होती है इसमें वेव को अगर हम मिक्स करके चलते हैं और सर्कुलर ही आपने बनाना है तो इस फॉर्मेशन से ये सर्कुलर बन गया इस ये इसका सेंट्रल पार्ट आप ले सकते हैं ठीक है पहला ये 90 का दूसरा ये नाइन ये जस्ट आपने क्या करना अंडरस्टैंड करने के लिए कि भी आपका इक्वल एम्पलीट्यूड है ये जो है इसके इक्वल है और फेज कितना है फेज यहाँ पे आपके पास ये रिमेंबर रखना आपने कि नाइन्टी का फेज होगा तभी आपके पास क्या होगा सर्कुलरी पोलराइज लाइट बनेगी इनकेस दीज आर एनोदर डायग्राम इन केस अगर आपने क्या करना हो इलेप्टिकल पोलराइजेशन करवाना हो तो जो दो परपेंडिकुलर वेव होंगे उन दोनों परपेंडिकुलर वेव में क्या होना चाहिए अन इक्वल एम्पलीच्यूड अन इक्वल एम्पलीट्यूड हो और डिफर इन फेज 90 हो तो आपके पास जो वेव बनेगी या सॉरी जो आपके पास पोलराइजेशन आएगा वो पोलराइजेशन किस फॉर्मेशन का आएगा इलेप्टिकल पोलराइजेशन आएगा द टिप ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिस्क्राइब एन इलिप्स इन ए फिक्स प्लेन इंटरसेक्टिंग एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा ठीक है और दूसरा हम क्या कह सकते जो सर्कुलर एंड लीनियर पोलराइजेशन है स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल पोलराइजेशन है मतलब आपके पास अगर जनरली एम्पलीट्यूड अनइक्वल होगा तो क्या होगा इलिप्टिक Ellipt, इलिप्टिकल बनता है अगर इसको हम इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास ये सर्कुलर बन जाएगा ठीक है ये डायग्राम बनाया है ब्लू वेव इज द रिजल्टेंट इलिप्टिकल पोलराइजेशन यहां पर ग्रीन वेव इज द रिजल्टेंट इलिप्टिकल पोलराइज्ड सिमिलर केस यहाँ पे जो डायग्राम आपको शो गया, गया इस डा, है इस फॉर्मेशन से ये सर्कुलर पोलराइज्ड का डायग्राम है यहाँ पे दो वेव हैं जो ग्रीन और रेड से दिखाई गई है इन दोनों की मिक्सिंग से जो आपके पास ब्लू कलर की वेव आपके पास निकल के आई है तो ये सर्कुलर पोलराइज्ड वेव है सिमिलर केस यहाँ पर दो टाइप की वेव दिखाई है जिसका अन है जिसमें ब्लू कलर हुआ है और ये एक डिफरेंट कलर है येलोइस कलर है ये जो दो वेव है ये मिक्स हो के आपके पास किस टाइप की वेव आपको शो कर रही हैं ग्रीन कलर की जो वेव आपने विजिबल यहाँ पे मैंने शो की है ये इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव है आज हम इतना ही करेंगे डिस्कस थैंक यू स्टूडेंट